दिन यूपी के लिए काफी खास है। आज मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। ऐसे में इस चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। एक तरफ मैनपुरी सीट का रिजल्ट देश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का राजनीतिक कद तय करेगा, तो दूसरी तरफ रामपुर सीट में आजम खान के परिवार की राजनीति का भविष्य तय हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर भाजपा अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। बहरहाल इन तीनों सीट का रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि तीनों ही जगह कांटे की टक्कर होने वाली है। अब ऐसे में कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो हेट स्पीच के लिए काफी मशहूर हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान कैसे पीछे छूट सकते हैं, जिनको हेट स्पीच मामले में सजा तक मिल चुकी है। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद रामपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। अब रामपुर में उपचुनाव को लेकर यूपी की सियासत तो गर्म है, जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा उम्मीदवार आसिम राजा के लिए वोट की अपील की थी। इस दौरान जयंत चौधरी ने भाजपा सरकार को जमकर निशाने पर लिया। इस दौरान आजम खान कैसे पीछे रह सकते थे, उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। वहीं आपको बता दें कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि योगी तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनको कुछ लोग छोटा मोकेम्बो कहते हैं। मैं जानता हूँ आप टेंशन में हैं, क्योंकि प्रदेश संभल नहीं रहा है, बहुत झूठ बोलकर यहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने आगे कहा, आज प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों को लेकर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं दूसरी तरफ आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वजीरे आला अपने कल हमारी सेहत पूछी, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर आपने हमें मिलने का वक्त नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, आप तो धर्म मानने वाले हो, पूजा पाठ करने वाले हो, हमने लोकसभा में रहते हुए वजीरे आला साहब से वक्त मांगा कि हमारा दर्द सुन लो साहब, हम भी एक हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं हमारी बात सुनी। यही नहीं, सपा नेता आजम खान ने इस दौरान सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा, मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ, मेरी औलाद जिसकी पैदाइश हम साबित नहीं कर सके, हमारी औलाद कब पैदा हुई ये फैसला किसी और का होगा। आजम खान ने कहा कि बापू ये क्या हो रहा है, आपने तो ये वादा किया था कि हिंदुस्तान सबका होगा, ऐसा हिंदुस्तान खाकी वर्दी के साए में दहशत में है, अरे जहर दे दो और पूरे रामपुर को मार डालो, इनसे इनकी जिंदगी का हक क्यों छीन लिया तुमने, मैं कुछ भी बोलूंगा तो मुकदमा होगा। इस दौरान आजम खान ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे में शिकायतकर्ता का नाम लिए बिना कहा कि मेरी बहन, मैंने तो तेरे लिए लड़ाई लड़ी थी, तूने मेरे खिलाफ ही मुकदमा लिखा दिया। हालांकि इन दोनों के बयान के बाद अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा की तरफ से क्या पलटवार आता है। वहीं दूसरी तरफ 8 दिसंबर को ये भी तय हो जाएगा कि जनता किसके पाले में जाती है।